नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े पर कई आरोप लगाए हैं। ऐसे में अब समीर वानखेड़े की पत्नी क्रांति जो है वो आगे आई हैं और उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। क्रांति रेडेकर ने नवाब मलिक के सभी आरोपों को झूठा बताया है और उन्होंने कहा कि हमारे पास तो केस लड़ने तक के पैसे नहीं है। जी हाँ, नवाब मलिक ने कहा था कि जाली सर्टिफिकेट के जरिए जो है समीर वानखेड़े ने ये नौकरी हासिल की है। अब इन तमाम आरोपों पर क्या कहा है क्रांति ने? क्रांति रेडेकर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नवाब मलिक के आरोपों को गलत बताया। उन्होंने कहा कि उनके पति की ईमानदारी से सबको दिक्कत हो रही है, इसीलिए तो उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। क्रांति ने कहा कि उनके पति या ससुर ने जाति का कोई जाली सर्टिफिकेट नहीं बनवाया। अगर इस बारे में कोई सबूत है तो उसे कोर्ट में पेश किया जाए। मेरे पति गलत नहीं है, हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम क्यों कोर्ट जाए? जिन लोगों ने हमारे खिलाफ आरोप लगाए हैं वो कोर्ट जाए ना। हम करोड़पति नहीं हैं, हम साधारण लोग हैं। समीर एक ईमानदार अफसर है, कई लोग चाहते हैं कि उन्हें हटा दिया जाए। क्रांति रेडकर ने यह भी कहा कि उनका परिवार जाति वाले जितने भी झूठे आरोप हैं वो बर्दाश्त नहीं करेगा। सोशल मीडिया पर जो सर्टिफिकेट सर्कुलर हो रहा है वे फर्जी है। नवाब मलिक अपनी टीम से रिसर्च करने को कहे और नवाब मलिक ने जो दस्तावेज दिए हैं वो सारे झूठे हैं। महाराष्ट्र सरकार पर हमें भरोसा है, महाराष्ट्र सरकार सच के साथ खड़ी रहेगी। समीर ने 15 सालों में जाकर ये इज्जत कमाई है और जल्द ही इस केस को भी खत्म करने वाले हैं, लेकिन उनके खिलाफ ऐसे आरोप लगाना, इस केस से हटवाना, ये बिल्कुल सही नहीं है। समीर की बेदाग छवि है, उनका दुश्मन भी आके नहीं बोल सकता कि इसने ऐसा कुछ किया होगा, लेकिन इन लोगों की ने तो हद ही पार कर दी है। वहीं समीर वानखेड़े की जो बहन है यास्मिन, उन्होंने भी जो है साफ साफ एक इंटरव्यू दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि हमें जान से मारने की धमकी दी जा रही है, मीडिया ट्रायल करने की कोशिश की जा रही है। नवाब मलिक कौन होते हैं? एक ब्यूरोक्रेट का बर्थ सर्टिफिकेट चेक करने वाले। उनकी रिसर्च टीम तो ऐसी है जो मुंबई की तस्वीर को भी दुबई की तस्वीर बताती है। तो अब जो है क्रांति रेडेकर ने आगे आकर अपने पति पर लगे सभी आरोपों को नकारा है और कहा है कि हम कोर्ट क्यों जाए, हमारे पास इतने पैसे भी नहीं है, हम कोई करोड़पति नहीं है और हमारे पास कोर्ट में लड़ने के पैसे नहीं जो हम इन सारी चीजों को लेकर कोर्ट में जाए और कोर्ट का दरवाजा खटखटाए।